हाँ आजा भैया, आज कोरोना वायरस का आइसोलेशन डे है। तो आज इस वीडियो अगर अपन देखेंगे, मैं तो सुबह से 7 बजे से रात को 11 बजे तक मैंने क्या क्या किया, पेंटिंग किया, घर की साफ सफाई की, कॉफ़ी बनाई, ऑफिस का काम कैसे किया, सब का सब बताऊंगा भैया। लेकिन सबसे पहले मैं अभी उठा हूँ सुबह के 6 बजे। इज हियर माय लिटिल डॉग एंड ही इज रेडी टू ईट सम फूड। आई लाइक द ब्रेड, यस, फ्रॉमज ला क्रॉके। सो दिस इज हाउ आई डू गाइस। मैं सुबह सुबह में जब भी हमारा कुत्ता उठ जाता है तो उसको खाने के कबर्ड में से थोड़ा सा खाना दे देता हूँ। तो उसका खाने का फूड है ना, तो उसका मापा हुआ देखिए, वैसी लाइक वैसी ये उसको देते हैं। अरे ये उसका खाना, ये दिन का 2 बार खाना खाता है, सुबह में 1 बार खाता है और शाम को खाता है। बस खाली यही चीज़ खाता है। यहाँ पे ये लोग है ना, कुत्ते के खाने में ये लोग और कोई चीज़ नहीं देते, मीट मटन ऐसा कुछ नहीं देते, यही चीज़ देते हैं। ये बैग आती है 265 डॉलर्स की आती है और ये बैग 3 महीने तक चलती है भैया, यानी कि महीने का करीबन 80-90 डॉलर का खर्चा होता है। दिन में 2 बार खाना खाता है और ये एकदम तंदुरुस्त रहता है भैया। उसको यहाँ पर शुगर वाली चीज़ नहीं देते हैं। अभी उसको खाने के बाद हम उसको पीपी कराने के लिए बाहर ले जाएंगे, चलेंगे ठीक है। जैसे इसने खाना खा लिया, ये कुत्ता दूर की तरफ तैयार हो जाता है बाथरूम जाने के लिए, तभी इसको बाथरूम ले जाते हैं। लेकिन जब ये बाथरूम ले जाता है मेरे को बहुत टेंशन करता है, पता है क्या भैया, बताता हूँ क्यों, क्या किया अभी आपको बाहर के मालूम पड़ेगा। क्यों बाहर जाते ये छोटे बच्चे की तरह हो जाता है, किसी की सुनता नहीं है, सब पड़ोसियों के गार्डन में और सभी जगह घूमने चले जाता है। देखिए अभी तो ये बड़ा बदमाश हो गया है, अब ये जाएगा देखो ये बर्न, इसको इतना अच्छा लगता है ऐसे उसकी, इसको स्नो में भैया देखो। कल पीछे भैया यहाँ पे 3 चेयर पड़ी क्योंकि हमने 2 दोस्तों को खाने के लिए बुलाया था भैया यहाँ पे शाम को। दुक्का देखो, यहाँ पे हमने कल चाय पानी पिया भैया, और बढ़िया सा अपना इंडियन सैंडविच भी खाया। देखिए ये लग रहा है बहुत सीधा, अभी ये चालाक कितना है, आरामखोर, अभी दूसरे के सब प्रॉपर्टी में जाएगा भैया और हमको टेंशन कर देगा। देखो अभी उसका डेली का काम काज कर रहा है, अभी उसका नाटक शुरू हो जाएगा। देखिए इसका डेली का नाटक है घिसना। कुत्ता तो कुत्ता होता है भैया, उसको बर्फ में बाहर खेलने में बहुत ही मजा आता है। तो कल हमने पार्टी किया शाम को, देखे तो 3 चेयर पड़ी हुई भैया, रात को थोड़ा सा फायर भी किया था यहाँ पे। अभी देखो इसको घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये देखिए पूरा का पूरा हमारे पीछे है भैया, हमारे घर के पीछे, यहाँ से वहाँ पे सन डाउन होता है। तो आप हमारे ये बेडरूम के विंडो से देखेंगे ना तो आपको ये सन डाउन का पूरा सनसेट का मालूम पड़ जाएगा भैया। ये हमारा गराज है, उसके ऊपर बहुत सारा काट लगा हुआ है भैया, तो इस समर में हमको घिस घास के सब ठीक करने का ज़रूरत है। और ये देखिए जो बालकनी में बता रहा था ना, जो पूरा का पूरा स्विमिंग पूल भर चुका है पानी से भैया, बर्फ से, तो इसके नीचे स्विमिंग पूल है भैया, लेकिन पूरा का पूरा इतनी सारी बर्फ़ गिरी तो लग चुका है। तो आज ये आइसोलेशन की वजह से हमको इसको बाहर निकालने का है भैया, सब ये स्नो है ना उठा उठा के बाहर डालना है, क्योंकि ओवरलोड होने से भैया देखिए पूरा का पूरा ये देखा हमारा जो बैकयार्ड यानी कि पैडियो है पूरा टूट चुका है भैया। अभी इसको चिल्ला के बुलाते हैं, देखिए ये चला लाइका व्यंसी, हाँ वही व्यंसी लाइका। देखिए इसको कुत्ते को है ना जैसे कोई पक्षी देखा तो पागल हो जाता है भैया। क्या व्यंसी, देखिए अभी इसको अंदर आने में बहुत ही जोर आता है, इसको इतना परेशानी होता है, ये कहाँ से कुछ पकड़ के लाए, इतना नाटकबाज है, ज़्यादातर तो सुनता है लेकिन कुत्ता तो कुत्ता है, जैसे स्नो देखता है वो पागल हो जाता है। लाइक कैस के देता हूँ बूश लो मंथ मुआ से क्वा सा देता हूँ बूश से परफेक्ट बेबे बॉ उन्हें आला डाला मेज वैसी बेबे। हमको पार्टी थी भैया, मेरा पूरा का पूरा पग यहाँ पे खोप गया, देख कितना उंडा घुसा है देखा भैया। तो ये स्नो में बड़ी दिक्कत की बात होती है क्योंकि अभी समर आ रहा है, इसकी वजह से पूरा का पूरा स्नो मेल्ट हो रहा है भैया। हमारे गराज के पीछे भी देखिए पूरा स्नो मेल्ट होके भैया अंदर सब पानी घुस रहा है, देखा आपने। तो अभी इसका सब नाटक खत्म हो गया भैया, अभी अभी घर के अंदर जाके
टीवी के सामने बैठ के ही आराम से फिर सोएगा। देखना भैया कैसी चलाई क्या बेबे। नहीं बड़ा अच्छा है भैया, कुत्ता सब सुनता तो सही है भैया। बहुत और आंदाला में जाओ लाइक अब ये सी अभी सुबह के 7 बजे है। देखो आपको मेरे घड़ी में दिख रहे होंगे, मैं अभी उठा हूँ भैया, तभी थोड़े ये न्यूज चेक कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे क्या कह रहे हैं कैनेडा के। उसके बाद थोड़ी कॉफी बनाऊंगा फिर भैया, और आज थोड़ा पेंटिंग का काम घर पे लिया है तो वो शुरू करेंगे। ठीक है तो पहले कॉफी बना लेते हैं। कॉफी बनाने में क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं उसमें कॉफी डाल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सिस्टम अलग है भैया, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे कॉफी कैसे बनाते हैं। पहले तो इसमें पानी भर देते हैं, ये पानी गर्म करने का किटली है भैया। कॉफी का कप है उसके मैं आपको सब कैसे गोठावनी की है बताता हूँ। एक कॉफी का कप है देखा भैया, उसमें भी कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर ये लाल कलर का डिब्बा रखते थे, उसमें फिल्टर होता है भैया, और फिल्टर में सब कॉफी है। और ये गर्म पानी मैंने लिया भैया अभी, और उसमें डालेंगे तो मैं क्या करता हूँ भैया, जो हमारे घर में जो सोलर रूम है ना, सोलर रूम बोल रहे तो क्या होता है कि जहाँ पे विंटर के बाद जब समर आता है तो पूरा का पूरा सन है भैया हमारे पिछवाड़े में से जो है ना भैया सीधा मेरे सोलर रूम में आता है। तो वहाँ पे जाके हम लोग, मैं बताता हूँ कि मेरा आगे के दिन का प्लानिंग क्या है। ठीक है तो आज का जो कोरोना वायरस जो प्लानिंग है मैं बताता हूँ। मैं अभी घर से काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी सब मीटिंग्स पूरे दिन 9 से 4 बजे तक ऑनलाइन मीटिंग होती है, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे घर में जो हमारा जो सोलारियम यानी कि सोलर रूम है उसको पेंट करने का काम का शुरू किया है भैया। मैं सब दिखाऊंगा आपको। फिर शाम को 4 बजे जैसे मेरी मीटिंग ख़त्म होगी भैया, तो आज यहाँ पे हमारे गैराज के बाहर बहुत सारा पानी भरा हुआ है, देखिए बताता हूँ आपको। दिख रहा है वहाँ पे गैराज में पीछे बहुत सारा पानी भरा है, वो उस केस की वजह से, क्योंकि अभी यह विंटर जा रहा है तो पूरा का पूरा स्नो मेल्ट होके गैराज में पानी भरा है, उसकी वजह से गैराज में पानी फ्लड हो रहा है। तो वहाँ से मेरे को नीक निकालनी है, और वो नीक भैया हाईवे तक यानी कि रोड के बाहर निकालेंगे ताकि जो भी पानी निकले भैया यानी मेल्ट हो गए तो गैराज को डैमेज नहीं करे, सीधा रोड पे निकल जाए, तो वो मेरा तीसरा काम है। फिर उसके बाद आज शाम को हमको यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर में जाने से मनाई कर दिया है, तो हम लोग पहले ग्रोसरी स्टोर में ऑनलाइन सब ऑर्डर करेंगे भैया, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से जो बंदा डिलीवर करने आएगा वो सब चेक चाक करके हम लोग ले लेंगे। आज करीब मैं $200 से $300 की ग्रोसरी का ऑर्डर करूँगा, क्योंकि अगर आप मेरा देखिए तो फ्रिज पूरा का पूरा अभी फ्रिज खाली पड़ा है, इतने सब चीज़ें नहीं है फ्रिज में भैया। देखा भैया यहाँ पे मैं सब ग्रोसरी का लिस्ट रखता हूँ। कोरोना वायरस भी पड़ी है छुट्टी भैया, तो आज हम लोग घर में पेंट करेंगे भैया, क्योंकि छुट्टियों में दिमाग ठिकाने के लिए रखने के लिए कुछ ना कुछ का काम करना पड़ेगा ना। लेकिन देखिए आज स्नो कितने गिरी है बाहर भैया, इस स्नो में भैया ये पेंट किया तो सूखेगा कि नहीं सूखेगा। इसके लिए मैंने देखो हमारे जो हीटर है उसका टेम्परेचर भी बढ़ा दिया है, करीबन करीबन मैंने उसका टेम्परेचर डाल दिया है 24 डिग्री, दिख रहा है भैया। तो अभी आज हम लोग आपको पेंट की संपूर्ण जानकारी देते हैं कि भैया कनाडा में लोग सब पेंट क्यों करते हैं और क्या क्या करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरा इंडिया में मकान जो पेंट किया उसका करीबन मेरा $50,000 खर्चा है, बीका भाई ने काम किया था भैया। यहाँ कनाडा में बीका भाई हमको बनना पड़ता है भैया, और पेंट का सब सामान हम लोग लेके आए, देखिए भैया ये ट्रे लेके आए है, मैं आपको बताता हूँ ये ट्रे लेके आए हैं, ये ब्रश लेके आए हैं, और ये कलर का डब्बा है भैया। कल हमने काम करके ये थोड़ा रूम प्रेप तो कर दिया है, जैसे देखिए कि हमने मास्किंग टेप लगा रखी है भैया ताकि ये कलर उसके ऊपर नहीं पहुंचे, सब बॉर्डर हमने यहाँ पे प्रेप कर दिए, दिख रहा है कलर आपको, ये हमने इसको ये इनर कोट लगाया उसके बाद हमने कलर कर रखा है भैया। तो आज हम लोग ये रोलर का काम करने वाले है, और ये क्या ये सोलारियम है भैया, इसको ये कनाडा में बहुत ही आराम में हर एक घर में होता है भैया, क्योंकि जो सन आता है भैया वो सीधा यहाँ पे आता है, और यहाँ पे मैं ऑफिस का काम करता हूँ कभी कभी तो उसके लिए है भैया। और ये एक्स्ट्रा फ्रिज है मेरे घर में, ये जो टूट रखा था भैया उसका फ्रीजर टूट रखा लेकिन फ्रिज तो अभी भी काम करता है, तो ये सीढ़ी हम लोग पड़ोसी से मांग तांग के लाए भैया। तो आज लोग हम लोग पेंट का काम करेंगे भैया, हमारी यहाँ सकते हैं भैया एकदम बीट फैट जीरो है, देखो हमारा कैमरे का स्टैंड घुस ये टूट गया है, तो मैं सुपर ग्लू ढूंढ रहा हूँ, पूरे दिन घर में ढूंढा तो नहीं मिला भैया, देखा भैया। अरे कहाँ पे मिला मला, मैं जहाँ पे ड्रोवर में डा उसके ड्रोवर में पड़ा था, और पूरा गन मैंने उलट छलट कर दिया, ये कोरोना वायरस की वजह से ये फोकट का बहुत ही काम हो रहा है भैया।
आप सोचोगे कि भैया हमने पेंट का काम कहाँ से सीखा, तो हम लोग बता देते भैया कि हमने पेंट के लिए पेंटर एज ए पेंटर हमने जॉब किया है भैया। बड़ी अच्छी जॉब थी, हमको तो बहुत ही अच्छा लगता था, उससे दिमाग बहुत ठिकाने रहता है भैया। और पेंटर की जॉब में पैसे भी बहुत मिलते हैं भैया यहाँ पे। अगर आपने जैसा मकान का काम लिया, पूरे मकान का, तो 1400-1500 डॉलर के करीब करीब, 2000 जैसा मकान हो भैया, और एक फोल्डर को लेके जाएंगे भैया, तो आराम से आप 1000 डॉलर 1200 डॉलर का प्रॉफिट खाली 1 या 2 दिन में, जैसे आपके मजदूरी करने की क्षमता भैया अच्छे से बना सकते हो भैया। ये देखिए हमारे घर के पीछे है भैया, ये पूरा पूल है, पूल स्विमिंग पूल में देखिए, देखा है ये पूरा पूरा स्विमिंग पूल में भैया ये बर्फ जमा हुआ है भैया। तो आइए अभी हम लोग पेंट का काम शुरू करते हैं। आइए तो अभी पेंटिंग का काम का शुरू करते हैं भैया। पहले तो डिब्बा खोल लेते धीरे से, यहाँ पेंटिंग का डब्बा भैया इतना महंगा नहीं रहता, वैसे वाटर बेस पेंटिंग आता है ज़्यादातर, यानी कि आप गलती भी करें तो भैया फ्लोर पे कुछ गिर गिर जाए तो आप अपने आराम से साफ कर सकते हैं। ये डब्बा खोल दिया भैया, और ये हिलाने की लकड़ी है भैया, इसे थोड़ा हिला ही लेते हैं। इसको बराबर साफ कर लेते हैं ताकि कहीं वहां पर डब्बा डबड़े लगे नहीं। अभी हम हमारा रोलर तैयार कर देते भैया। तो यहाँ पे ज्यादातर तो ब्रश से पेंटिंग नहीं करते भैया, मेरे ख्याल से अभी इंडिया में भी नहीं करते हैं। इसको हम अपने ये उसमें खाली कर देते हैं। और इसकी साफ सफाई करके, भैया आपके पास कोई भी अच्छा वीडियो का आइडिया है तो मेरे को बताइए, क्योंकि आखिरी मैंने 2-3 वीडियो बनाए लेकिन इतने सक्सेसफुल नहीं गए। और मैं भी क्या भैया वीडियो के थोड़ा आइडिया चेंज भी करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं खाली कैनेडा के भैया खाली कैसे आए उसकी जानकारी दो भैया, मैं और भी जो लोग कैनेडा में आए उसकी अच्छी अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ भैया। डे टू डे लाइफ में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं उसके भी वीडियो बनाना चाहता हूँ। इसके लिए अगर आप मेरे आखिरी 3-4 वीडियो देखे, मैंने उसके टॉपिक चेंज किया है, लेकिन मैं वापस वही टॉपिक पर जाने वाला हूँ कि कैनेडा में भैया यहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की जॉब के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए, उसके भी मैंने बहुत अभी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी मैं हमारा रोलर का थोड़ा तैयार कर देता हूँ। ये रोलर कहाँ गया, रोलर मिल गया भैया। तभी हम लोग धीरे से पेंटिंग का काम का शुरू करते हैं। ये रोलर का ये जो बुंदरी है उसको चढ़ा देते हैं भैया। और ये ब्रश का जो मैं अभी काम लिया उसको साफ सफाई करके भैया धीरे से रोलर का मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है। देखिए भैया धीरे से हम रोलर को इसमें दबा के भैया उसका प्रिपरेशन कर देते हैं। अभी हमारा रोलर भी तैयार है और ये पीछे वाली वॉल पे हम पेंटिंग शुरू करते हैं। ठीक है भैया, यहाँ पे भैया ये और सबसे पहले यहाँ पूरे दिन घर में रहने से भैया मेंटल का स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, और लोग क्या पूरे दिन कोरोना वायरस के वीडियो देखते कि एक ही मगज चीज दिमाग पे रहती है, तो अपने मगज को ठीक रखना बहुत जरूरी है। इस देखो घर में कल रात को हम यहाँ पे पजल खेल रहे थे, और ये पजल क्या होता है, कैमरा में ऐसा कोई चित्र होता है, देखिए चित्र होता है इसको ऐसा चित्र देख रहे हैं इस बुक पे, वो चित्र देख के हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी पजल दिखा रहे, उससे मगर ठिकाने रहता है। अपने बॉडी को ठिकाने एक रखने के लिए भी अभी आप उठे हैं तभी थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, और अभी तो जिम भी बंद है, मेरे को जिम में जाने का बड़ा शौक है, तो हम लोग घर पे भैया थोड़ी पुशअप कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं भैया।
तो इससे बॉडी क्या थोड़ी ठीक रहती है और अपना दिमाग भी ठीक रहता है। हाँ जब किचन में चलते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल के, भैया मैं कनाडा में रहता हूँ और कनाडा के बारे में करीबन करीबन 200 वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी भैया, उससे आपको पूरा का पूरा कनाडा में कैसी लाइफ है, यहाँ पे कैसे आप जॉब पा सकते हैं, कैसे लाइसेंस पा सकते हैं, सबके वीडियो मैंने बनाया के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखे भैया। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको संपूर्ण माहिती मिल जाएगी। मैं बताता हूँ, जब मैं इंडिया से पहले शुरू में आया भैया तो यहाँ पे चाय बहुत पीता था, लेकिन जब से मैंने कॉफ़ी पीना शुरू किया मेरी आदत बिगड़ चुकी है भैया। थोड़ी लाइट चालू कर देता था, आपको भी थोड़ा दिख रहा है। तभी सुबह के 7:15 बजे भैया, और हम पहले कॉफ़ी बना लेते हैं फिर जाके ऑफिस में काम करके, क्योंकि आज मेरे को दो वीडियो डालने हैं। एक तो ये वाला कि कोरोना वायरस पे दिल में मैंने क्या किया, उसका मैं एडिटिंग शुरू कर दूंगा, और दूसरा वीडियो है कि यहाँ पे कनाडा में एजुकेशन सिस्टम कैसा है। पहले कॉफ़ी बना देता, ठीक है।